हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब भी। दोस्तों ये है पार्ट 5 चैप्टर 2 का, और इसमें हम करने जा रहे हैं टॉपिक कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। इसी के साथ हम इसके तीन कंपोनेंट पढ़ेंगे, ISA, माइक्रो आर्किटेक्चर एंड सिस्टम डिज़ाइन, जिसमें कि ISA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मैं 5 में से 4 स्टार टॉपिक दे सकता हूँ और 3 स्टार टॉपिक दे सकता हूँ माइक्रो आर्किटेक्चर को। ये क्या होता है अभी हम समझने वाले हैं। और दोस्तों ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैंने इस नोट्स को मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, शाम को 5 बजे ही आपके आई टी एस एम के ब्रॉडकास्ट ग्रुप में। उसे ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करें। टेलीग्राम है, पहले याद रखे भैया, टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद, उसमें अपनी आईडी बनाने के बाद यहाँ आगे क्लिक करें, अदरवाइज ये एक्सपायर दिखाई देता है। इसको मैं कई बार बता चुका हूँ लेकिन बच्चों को यूज़ ही करना नहीं आता, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। फिर यहाँ पे आइए, आपको ये नोट्स जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। सर आइए अब मैं थोड़ा मुद्दे वाली बात पर आता हूँ, जो इस टॉपिक का नाम है कि भैया कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर ये होता क्या है, व्हाट द मीन ऑफ कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। अरे भैया जी मिटा दो। हाँ देखो भैया, अगर मैं आपसे पूछूं कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है क्या, पता नहीं कितने भयानक भयानक शब्दों के साथ इसको संबोधित किया जाता है। देखो अगर मुझे इसे इंग्लिश में ही लिखना है तो मैं थोड़ा समझ के लिखूंगा और मेरा काम हो जाएगा। सर देखो, कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर क्या होता है, एक आर्ट है। क्या है ये? एक आर्ट है और ये एक साइंस है। साइंस इसलिए है क्योंकि जब मैं समझदार हुआ 8th क्लास में, तो मैंने साइंस का मतलब तब सीखा था। किसी भी चीज़ को जब हम जानते हैं और उसको जानने के लिए जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, वही विज्ञान कहलाता है और कुछ स्पेशल नहीं होता। तो कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर एक विज्ञान है और आर्ट इसलिए है क्योंकि जो हमने जानकारी प्राप्त की है, जो नॉलेज प्राप्त की है, हम उसको अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, ये एक आर्ट है और एक साइंस है। किस चीज़ के लिए? जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इंटरकनेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें ये एक साइंस है और आर्ट है, ठीक है, साइंस एंड आर्ट, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट और इंटरकनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। किसको करने वाले हैं भैया इंटरकनेक्ट? भैया हार्डवेयर को, ठीक है, और हार्डवेयर के डिज़ाइन को, कि ओवरऑल हमारा डिज़ाइन कैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमें तो अपना काम करवाना है, ठीक है। इससे ओवरऑल होगा क्या कि हमें हार्डवेयर का डिज़ाइन बनाते समय कीप इन माइंड, मतलब हमें अपने दिमाग में रखना है, कीप इन माइंड मतलब हम अपने दिमाग में रखेंगे। क्या रखना है हमें दिमाग में? कि हमारी हमारी हमारी, एक बार बोलो मेरी मेरे साथ, हमारी 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 जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, हमारा जो फंक्शन है मतलब कार्य जो हम करने वाले हैं वो सर्वश्रेष्ठ हो, और जिससे हम अपने गोल्स अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो पहले से बेटर आए। सर सिंपल सी बात है, बस यही है कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। लोग डरते हैं भैया आईटी को समझने से पहले, आईटी कुछ नहीं है, सिर्फ इंग्लिश का खेल है। लोग मेरे को बोलते हैं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। भाई मेरी इंग्लिश अगर अच्छी नहीं होती तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाता, मुझे नहीं पता मेरी इंग्लिश ग्रामर मेरी प्रोनंसिएशन कैसी है, लेकिन मेरी पकड़ जो है ना सब्जेक्ट की वो बहुत अच्छी है। और सीए पास होने के लिए ये पकड़ चाहिए होती है, लगन चाहिए होती है। इंग्लिश ग्रामर होने से आपकी आईटी क्लियर नहीं होने वाली। भैया कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर क्या है? एक आर्ट है, एक साइंस है, जिसमें कि आप सिलेक्ट करते हो और इंटरकनेक्ट करते हो। किसको? हार्डवेयर को और डिज़ाइन को। ये ध्यान में रखते हुए, या फिर लॉ की भाषा में बोलते हैं मद्देनज़र रखते हुए, कीप इन माइंड कि आपकी कॉस्ट कम आए, फंक्शन ऐसा हो, कार्य ऐसा हो कि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाओ, ठीक है। देखो भैया अब इसी को यहाँ पे इसी भाषा में इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अब मैं रीडिंग का भी काम नहीं करवा रहा, अब मैं थोड़ा और फास्ट पढ़ाऊँगा कि भैया जो मैंने समझा दिया, देखो इंटरकनेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, जिससे हम डेवलप कर पाए एक ऐसा सिस्टम जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आए और हमारे फंक्शन अच्छे हो और हमारी जो कॉस्ट है वो कम आए, ताकि ओवरऑल हम अपने गोल को अचीव कर पाए। ये क्या है? एक साइंस है और एक आर्ट मैंने बोल दिया, यहाँ इंजीनियरिंग वर्ड है, आप दोनों में से कोई भी लिखोगे चलेगा, एग्जाम में आपका मास्टर आपसे नाराज़ नहीं होगा। तो हमने ये समझ लिया कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर क्या होता है। सर जो कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर होता है इसकी 3 सब कैटेगरीज होते हैं, सब कैटेगरीज कह लो, या फिर हम छोटे बच्चे क्या बोल देते हैं कि इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं,
पहला होता है भैया ISA, दूसरा होता है माइक्रो आर्किटेक्चर, और तीसरा होता है सर सिस्टम डिज़ाइन। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत? सर समझा तो दो क्या होता है। भाई समझाने के लिए तो वीडियो बनाया है, समझेंगे ना। देखो सर, देखो इस चार्ट को देखो, आप इस चार्ट को आप ध्यान से देखो। ये चार्ट कहता है कि देखो सबसे पहले आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी, क्या होगी प्रॉब्लम? और सर चार्ट के लिए पहले ही बोल दूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके इसे डाउनलोड कर लेना। प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम की जब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप एल्गोरिथम तैयार करते हो। एल्गोरिथम का मतलब होता है भैया स्टेप बाय स्टेप लॉजिक, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक, यानी आप एक एक स्टेप लॉजिक का क्रिएट करते हो कि इस प्रॉब्लम को फाइनली सॉल्व कैसे करना है। अब देखो मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ। मैं आज 27 या 28 मार्च है, कितनी मार्च है जरा देख लूँ, डेट लिखी होगी यहाँ पे, हाँ जी 28 मार्च है। 28 मार्च को मैंने अभी सिलेबस आपका IT का स्टार्ट किया है और मैं अभी चैप्टर 2 पे हूँ, कल ये चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा। चैप्टर 3 में भी मेरे को 2 से 3 दिन लग जाएंगे, चैप्टर 4 में 2 दिन लगेंगे, चैप्टर 5 में 1 दिन लगेगा। अगर मैं इसे अपने पहले स्टाइल से पढ़ाता तो क्या होता कि मेरी जो स्पीड है वो स्लो रहती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लिखना होता। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ, नोट्स टॉप 50 को भी दे दो और प्लस जो नोट्स हैं वो दे दो मेरे अच्छे बच्चों यानी ब्रॉडकास्ट के बच्चों को, यूट्यूब वालों को भी। अब इसमें देखो मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा ये है, मेरा तो एम ही है आप सबको पास करवाना, इस बार 60+ दिलवाना किसी भी हालत में, तो ये मुझे अचीव हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक्स लगाए कि कैसे करके मैं अपना जो मैंने टाइम दिया है कि 10 से 15 अप्रैल तक सिलेबस फिनिश होगा, वो होगा कैसे अगर मैं अगर ऐसे ही करता रहा। तो मैंने अपने काम करने के तरीके को बदल दिया और इसी को बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहते हैं, अगर आपको चैप्टर 1 याद हो। काम मत बदलो, काम करने के तरीके को बदल दो, क्योंकि मुझे काम क्वालिटी उतनी देनी है, समझाना उतना ही है, बस लिखने का काम मैंने क्या किया बचा लिया। दैट इज एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक्स। फिर ये जो लॉजिक्स है इसको मैंने डायग्राम के थ्रू शो करना है, जिसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। हमारे पास कोई समस्या होगी, समस्या में हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर देंगे, लॉजिक्स क्रिएट कर देंगे और उसके बाद उसे हम फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा देंगे, ठीक है। जैसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है आप बता सकते हो मुझे भैया? 182 डेज, ठीक है, और पिछले साल में 60 दिन रहा हो, उससे पिछले 4 सालों में 300 कितने था, 60 या 65, याद करो क्या था। अगर रहा तो इसको हम क्या बोलते थे, रेसिडेंट, अगर नहीं रहा तो इसको बोलते थे नॉट रेसिडेंट, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, ठीक है। तो ये क्या था, ये एक फ्लो चार्ट है जो हम बनाते हैं ना टैक्स पढ़ते समय, इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। अब ये क्यों बना रहे हो, ये क्यों समझा रहे हो, ये मैं बता रहा हूँ कि फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है, इसका आपका IT से कोई लेन देन नहीं है। तो हमने क्या किया, अपने एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप लॉजिक्स क्रिएट किए और उनको फ्लो चार्ट में शो कर दिया। अब इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं इस फ्लो चार्ट को, फिर एक जो प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर मैंने आपको बताया था जो आपके सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है, वो इसे डिकोड करता है। क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड कैसे करता है, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके। हाई लैंग्वेज क्या होती है, C++, C++, सी, जावा, ये सब क्या होती है, लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसमें ये इंग्लिश का यूज़ करते हुए इन मतलब लैंग्वेज को लिखता है, ठीक है। फिर सर इसमें एक होता है कंपाइलर, कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर करता है आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट, क्या करता है आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। क्यों, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है उसे 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आनी है, क्योंकि वो ओवरऑल एक मशीन है, मशीन को 0 और 1 की ही लैंग्वेज समझ में आती है और कोई समझ में नहीं आता। अब क्या होता है, ये जो कंपाइलर है ये इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके 0 से 1 की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देता है और बता देता है। फिर इसमें आ जाता है ISA, क्या आता है ISA, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ये क्या करता है, ये 2 टाइप के होते हैं, सिस्क एंड रिस्क, यही है हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होते हैं, सिस्क एंड रिस्क। ये क्या करता है, ये इस 0 और 1 को काम क्या करना है, एक्चुअली में जो प्रॉब्लम बताई गई है इसका सॉल्यूशन कैसे दिखाना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये समझाने का काम ISA करता है, ठीक है। और जिसके लिए ये इंस्ट्रक्शन जो है ये इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी 0 to 1 फॉर्म में समझाने के लिए, समझना मेरी बात को, ये इसे 0 to 1 की फॉर्म में समझाने के लिए ये इंस्ट्रक्शन देता है, कौन देता है, ISA। इसके लिए एक सर्किट डिज़ाइन होता है, सर्किट डिज़ाइन होता है मतलब कि कैसे ये 0 1 की लैंग्वेज समझ में आए इसको,
सर्किट डिज़ाइन मतलब आपका एक सर्किट होता है, ये 0 1 0 1, ये सर्किट एक प्लेट पे लिखे होते हैं कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये एक सर्किट के थ्रू आपको शो करता है। तो फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका ट्रांसफर होता है, और ये 0 टू 1 जो मैं कह रहा हूँ कि आई एम विनीत मिश्रा, ये बात इसे कैसे समझ में आ रही है? ये 0 1 0 1 जो है ये इसे इस तरीके से समझा रहा है, ISA जो है इस बाइनरी लैंग्वेज को समझा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को समझा रहा है, किसकी हेल्प से? एक सर्किट की डिज़ाइन की हेल्प से, कि आई एम विनीत मिश्रा ये लिखा गया है यहाँ पर। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा से बोलता हूँ, वैसे तो समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी वंस मोर। भैया सबसे पहली समस्या होगी, समस्या को हम स्टेप बाय स्टेप डिफाइन कर देंगे, फिर उसका एक फ्लो चार्ट बना देंगे, उस फ्लो चार्ट की बेस पे जो प्रोग्रामर होगा अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जो भी C++ जो भी लैंग्वेज होती है उस फॉर्म में उसे लिख देगा। फिर एक कंपाइलर का यूज़ होता है, वो कंपाइलर क्या करता है, इस इंग्लिश लैंग्वेज को 0 टू 1 में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, इसे हम मशीन कोड और बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। फिर ये जो बाइनरी कोड जितने भी तैयार हुए हैं हमारे, ये ISA इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, क्योंकि मशीन तो यही समझती है 0 1 0 1, ये इसको समझाता है कि भैया ये 0 1 0 1 फाइनली आपसे करवाना क्या चाहता है, जिसके लिए ISA को जरूरत पड़ती है एक सर्किट डिज़ाइन की, जिसको हम माइक्रो आर्किटेक्चर कहते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, चलो 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 मितुवा, चलो देखो, ISA क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ISA इज अ सेट ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शंस। बेसिक इंस्ट्रक्शन मतलब 0 1 0 1 जो कह रहा है उसका मतलब क्या है, विच डिटरमाइन वाट द चिप डज, कि CPU को करना क्या है, CPU को फाइनली करना क्या है, ये समझाया जाता है किसके द्वारा, उस इंस्ट्रक्शंस के द्वारा जो कि 0 1 0 फॉर्म में आए हैं। इसकी किसके द्वारा होते हैं, ISA के थ्रू। इट इज रिलेटेड विथ प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर, ये किससे बिलोंग करता है, कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग क्या की गई है, तो वो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग किस में होती है, इंग्लिश में, वो कन्वर्ट हुई 0 1 0 1, तो ये प्रोग्रामिंग से बिलोंग करता है कि प्रोग्रामिंग फाइनली CPU को समझ में कैसे आए, क्योंकि CPU एक हार्डवेयर है और इसे 0 1 0 ही समझना है, तो ये प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है ISA। इट मेक्स द CPU अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन इन इट्स बेसिक लैंग्वेज, ठीक है, कि ये क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को CPU को अंडरस्टैंड करवाने में, मतलब CPU को समझदार बनाने में हेल्प करता है कि फाइनली आपका यूजर आपसे चाहता क्या है। इट इज ब्रिज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। बुझ गए? अब सर इसमें दो टाइप के आपके भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, एक तो सिस्क एंड रिस्क। क्या होता है, एक सिस्क होता है एक रिस्क होता है। सर ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए बने रहिए मैं आपको समझाता हूँ, रुकिए। सिस्क एंड रिस्क क्या होता है, ठीक है सर। सर देखो, आपने क्या किया, एक कमांड डाली, मल्टीप्लाई करो ए एंड बी को। ये नोट्स अवेलेबल हैं, नहीं दिख रहे हैं तो भाई आप पहली बात तो अपने यूट्यूब की सेटिंग को ठीक करना, ये आपका 240 या 360 होगा तभी नहीं दिख रहा होगा, आप इसको 480 कम से कम रखो या 720 रखो, आपको 100% क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो उसके बाद ये नोट्स अवेलेबल हैं, इन्हें डाउनलोड कर लेना, आपको एक बात समझ में आएगी। अब मान लो मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या होता है, मतलब मैंने एक कमांड दी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करो, मैंने क्या कमांड दी, ए और बी को मल्टीप्लाई करो, जिसका रिजल्ट ए निकल के आएगा, ठीक है। तो दो तरीके से काम होते हैं, कैसे होते हैं, दो तरीके से काम होते हैं। पहला होता है कि भैया मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ए और बी को, और दूसरा क्या होता है, भैया पहले लोड करो ए को, फिर लोड करो बी को, ठीक है, फिर हम उनको प्रोडक्ट करेंगे ए और बी, और फाइनली में हमारा रिजल्ट जो निकल आएगा जिसका नाम ए है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्क, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई ए एंड बी, दैट्स इट, इसको हम बोलते हैं सिस्क। सिस्क क्यों, सी से मतलब सर इसका नाम है कॉम्प्लेक्स, सी से क्या मतलब है, कॉम्प्लेन नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल। इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर है, ISA है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक ही बात कही और वो चुप हो गया, अब अपना दिमाग लगाते रहो कैसे करना है, इसको बोलते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। यानी इसमें हम रिड्यूस क्यों है, क्योंकि इसमें जो टेंशन थी, जो कॉम्प्लेक्सिटी थी इतनी ज़्यादा कि एक ही का मतलब क्या होने वाला है, वो हम एक एक स्टेप में बताते हैं, भैया पहले लोड ए कर दो, लोड बी कर दो, प्रोडक्ट ए बी कर दो, उसका रिजल्ट आ जाएगा, सिंपल। मतलब यहाँ पे
दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करते हुए हम एक एक चीज़ को प्यार से डिफाइन करते हैं, लेकिन इस केस में मल्टीप्लाई ए बी बोल दिया तो मल्टीप्लाई ए बी बोल दिया, दैट्स इट। फिर सर आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी है लॉजिक कि जब भी हार्डवेयर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कम होता है। क्या? जब भी हार्डवेयर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कम होता है। दूसरी चीज़, जहाँ सॉफ्टवेयर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जहाँ सॉफ्टवेयर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ जो हार्डवेयर होते हैं वो कम लगते हैं। अब इस वाले सिस के केस में क्या होता है कि हार्डवेयर ज़्यादा लगता है सॉफ्टवेयर कम लगता है। सॉफ्टवेयर मतलब कहो दिमाग, दिमाग कम लगाओ हार्डवेयर ज़्यादा लगाओ, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं और हार्डवेयर ज़्यादा लगने की वजह से हमारी जो कॉस्ट आती है वो ज़्यादा आती है, ठीक है। और रिस्क में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हार्डवेयर कम लगाते हैं और जो सॉफ्टवेयर की मात्रा है उसको बढ़ा देते हैं क्योंकि हम उसमें इंस्ट्रक्शन इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ है दोनों में, सिस्क एंड रिस्क के बीच में। सर इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, इंटेल कंपनी जो होती है वो यही काम करती है इसी बेसिस पे, और जो आपकी एप्पल कंपनी होती है वो इस बेसिस पे काम करती है। सर इन्हीं बातों की कहानी को यहाँ लिख दिया गया है और आपके प्रैक्टिस मॉडल में शायद इसका क्वेश्चन भी गिवन है और मेरे हिसाब से एग्जाम के 5 out of 5 star में दूंगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है सर। अब ये रीडिंग देनी है यहाँ पे, ये रीडिंग का काम आपका रह गया, सब कुछ आपको समझ में आ गया है। नोट्स आपको मैंने पहले बोला टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं वहाँ पे, ठीक। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने कहा कि भैया एक होता था सीपीयू, हाँ सीपीयू से पहले हमारा होता था एक चिप, हाँ सर्किट, हाँ याद आ रहा है। और वो जो सर्किट था उसका हमने नाम दिया था माइक्रो आर्किटेक्चर। क्या नाम दिया था? माइक्रो आर्किटेक्चर। ये क्या करता था, इससे ऊपर क्या होता है, इससे पहले होता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ये क्या करता था, आईएसए को अपनी बात सीपीयू तक ले जाने के लिए एक सर्किट डिज़ाइन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक सर्किट डिज़ाइन करना पड़ता है जिसमें वो 0101 का मतलब क्या होता है, 0101 का मतलब क्या होता है वो फाइनली सीपीयू तक समझाता है। इसके लिए इसको किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रो आर्किटेक्चर की। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि आईसीआई का कोई भरोसा नहीं। इट इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ इसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, गलत तो नहीं लिख दिया इसको, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं पक्का? मुझे तो डाउट हो रहा है कि भैया ऐसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। हाँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी में सारा सर्किट छुपा पड़ा है और इसी में 0101 सारी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए इसके बारे में बताया गया होता है, ठीक है ओके। और क्या होता है सर, ये कहता है इट इज अ लोअर लेवल डिस्क्रिप्शन। लोअर लेवल डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं कि छोटा है, लोअर मतलब 0101 लेवल की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि इसका मतलब क्या होने वाला है। ऑफ सिस्टम विच इज सफिशियंट टू डिस्क्राइब दैट हाउ वेरियस पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंटरैक्ट एंड इंटरप्रेट टू इम्प्लीमेंट आईएसए। मतलब आईएसए जो कह रहा है उसका मतलब क्या होगा, उसको इंटरप्रेट करना, उसका मतलब क्या होगा, उसको इंटर कनेक्ट करना कि ये कैसे कैसे होने वाला है, ठीक है। इंटरप्रेट कर दिया कि 2 और 2 4 होते हैं, इंटरप्रेशन है कि इसको प्लस करना है, लेकिन इंटरकनेक्ट मतलब 2 और 2 4 तो होते हैं लेकिन क्यों करा जा रहा है इसका लॉजिक देना, इंटर कनेक्ट करना, और इंटर ऑपरेट मतलब इन्हें आपस में एक साथ काम करवाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें की जाती है जिसको इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के द्वारा जो भी कहा गया है आईएसए के काम को कि वो क्या हमसे इंटरप्रेट करवाना चाहता है, कैसे कनेक्ट करवाना चाहता है, वो सारी बातों को कौन करता है, हमारा हमारा माइक्रो आर्किटेक्चर इस काम को करता है, ठीक है ओके। फिर सर हमने 3 कंपोनेंट की बात की थी, हमने कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर चालू किया, इसमें 3 कंपोनेंट थे, एक था आईएसए, एक माइक्रो आर्किटेक्चर और फिर था एक सिस्टम डिज़ाइन। क्या था, एक सिस्टम डिज़ाइन। अभी सिस्टम डिज़ाइन में क्या क्या पढ़ना होता है भैया, सिस्टम डिज़ाइन में आपको पढ़ना होता है कि भैया सिस्टम डिज़ाइन में पहले तो आपको पढ़ना होता है बसेस एंड स्विच, दूसरा आपको पढ़ना होता है सीपीयू ऑफलोड मैकेनिज्म, थर्ड पढ़ना होता है सर मेमोरी कंट्रोलर, और फिर पढ़ना होता है डिज़ाइन एंड इशू। इस नोट में वर्चुअलाइजेशन जो है वो गिवन है, मुझे टाइम लगा और ठीक लगा तो मैं चैप्टर 2 में करवाऊंगा, अदरवाइज चैप्टर 5 में कराऊंगा, दोनों में ही सेम है, कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ मुझे ठीक लगा मैं करवा दूंगा। अभी इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन के अंदर, बस एंड स्विच के क्या होता है, सीपीयू ऑफलोड कंट्रोलर क्या होता है, स्टार लगाइए इस पॉइंट को, मेमोरी कंट्रोलर क्या होता है ये तो आप पढ़ के लिख दोगे, डिज़ाइन इशू में
मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है ये, ठीक है, इसको हम समझने वाले हैं। सर देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आपसे पूछना है किसी को कि भैया इंटरकनेक्ट सिस्टम कंपोनेंट यूजिंग बस एंड स्विच क्या होते हैं, तो आप ये कहोगे भैया देखो रैम होता है, हार्ड डिस्क होती है, रजिस्टर होते हैं आपके, ठीक है, और आपका सीपीयू होता है। ये सबको आपस में एक दूसरे से जुड़े रहना है, तो इन्हें जुड़े रहने के लिए जो आप एक वायर का यूज़ करते हो उसका नाम ही बस है, इसी का नाम बस है। ये बहुत सारी वायर्स होती हैं, मैंने क्लास 9th में ही देखा था, जब मैं कंप्यूटर मैंने खरीदा था तो मैं खुद ही बना के ठीक करता रहता था, खोलता था सही करता था। तो ये बसेस होती हैं, येलो कलर की मैक्सिमम दिखाई देती हैं कंप्यूटर के अंदर, जब मैं छोटा था तब तो यही था, अब कलर देखा नहीं मैंने क्योंकि अब तो लैपटॉप यूज़ होता है, तो येलो कलर की होती हैं। और ये क्या करती हैं, इसमें ये ओवरऑल जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होनी है, ये थोड़ी ना कि इनके बीच में आपस में ब्लूटूथ लगाए या वाईफाई लगाए, अब इस हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर से कनेक्ट होना है तो कोई वायर तो चाहिए, तो इस वायर का नाम ही क्या होता है, बस होता है। बस आपके लेवल पे इतना ही सीखना है। बस इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम विच ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब एक हिस्से तक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी डाटा भेजने का काम होता है वो बस करता है। सर उसके बाद आपका अगला आया कट ऑफ सीपीयू ऑफलोड मैकेनिज्म। ऑफलोड मैकेनिज्म मतलब सीपीयू के टेंशन को कम करवाना। इस पहले क्या होता था, लेट सपोज आपका ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर सीपीयू भी है, ठीक है, आपकी मेमोरी भी है, और फिर आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी है। तो अब मेमोरी को एक्सेस करवाना है, इनपुट आउटपुट को एक्सेस कराना है, इसमें क्या होता था, ये किंग होता था, क्या होता था, किंग, और ये सब बाकी जो होते थे गुलाम होते थे, क्या होते थे, गुलाम। अब ये नालायकों को कुछ भी करना है तो वो पहले सीपीयू से परमिशन लेते थे तो करते थे, इसको भी कुछ भी करना है तो सीपीयू से परमिशन लेता था तो करता था। तो सीपीयू के पास टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्या हो गई थी, टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो सीपीयू ने जब अब एडवांस लेवल आया, कंप्यूटर का एडवांस लेवल आया, तो हमने इसमें एक चीज़ ऐड कर दी, डीएमए। क्या ऐड कर दिया, डीएमए, दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, कि भैया अब तुम्हें मेमोरी को एक्सेस करना है तुम डायरेक्ट कर लो, मेरे से बार बार मत पूछो, मुझे टेंशन होती है, दैट्स इट। सीपीयू ऑफ लोड मैकेनिज्म और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस भी बोलते हैं, जो कट ऑफ आया ना, ऑफलोड, ऑफलोड मतलब टेंशन कम करने वाला, इसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस भी बोलते हैं। इट इज, इसमें आप कह सकते हो कि भैया ये एक इट इज फीचर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये फीचर वर्ड लिखा है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख देता हूँ, इट इज फीचर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच अलाउ क्या कहते हैं, पेरीफेरल डिवाइसेस। पेरीफेरल, इन सारे डिवाइसेस को क्या कहा गया है, पेरीफेरल डिवाइसेस, दैट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू एक्सेस मेमोरी इंडिपेंडेंटली ऑफ सीपीयू, मतलब आप डायरेक्ट कोई भी मेमोरी यूज करो, सीपीयू से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको परमिशन ग्रांटेड है, अब आप किसी के गुलाम नहीं हो, आप मेमोरी यूज करने के लिए अपना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। फिर सर इसमें एक आया मेमोरी कंट्रोलर, क्या आया, मेमोरी कंट्रोलर। ये मेमोरी कंट्रोलर क्या है, सिंपल सी बात है कि भैया इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ डाटा टू और फ्रॉम मेमोरी, मतलब जो आपकी मेमोरी है वहां से डाटा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है उस पे कंट्रोल बनाए रखने का काम क्या करता है, मेमोरी कंट्रोलर, दैट्स इट। क्या काम करता है, डाटा कहाँ से आएगा कहाँ को जाएगा नालायक ये हमको बताएगा, दैट्स इट। उसके बाद आपको लास्ट पॉइंट पढ़ना है मेरे साथ इस पार्ट में, दैट इज डाटा, दिस सॉरी डिजाइन इशू, ठीक है, ये आपको मेरे साथ पढ़ना है डिजाइन इशू। अब डिजाइन में क्या पढ़ना है, डिजाइन में फिलहाल यही पार्ट पढ़ना है, दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग, क्या पढ़ना है, मल्टी प्रोसेसिंग पढ़ना है, बाकी एक वर्चुअलाइजेशन है उसको मुझे ठीक लगा तो मैं इस चैप्टर में ऐड करूंगा, अदरवाइज चैप्टर 5 में भी ऐड कर सकता हूँ, दोनों में सेम है, कॉमन है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, मेरे ऊपर छोड़ दो मुझे कैसे करवाना है। सर मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि मान लो जो आपका मतलब मैं हूँ, ठीक है, विनीत मिश्रा है, और विनीत मिश्रा का कोई दोस्त है वी वाई, हमारे पास, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे पास अपनी प्रॉब्लम है, इसके पास अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि अगर ये दोनों प्रॉब्लम किसी एक सीपीयू को दे दी जाए, क्या कर दी जाए, किसी एक सीपीयू को दे दी जाए, तो वो परेशान हो सकता है क्योंकि उसको एक साथ दो चीज़ एग्जीक्यूट करनी पड़ जाएगी। तो इसका टेंशन कम करने के लिए, सीपीयू के टेंशन के लिए, हमने अलग अलग काम को परफॉर्म करने के लिए, हमने अलग अलग प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए, जैसे
अगर एक ही टाइम पे ये प्रोग्राम भी चलाना है, एक ही टाइम पे ये प्रोग्राम भी चलाना है, तो हमने इसमें दो सीपीयू ऐड कर दिए कि भैया इस काम को ये देख लेगा सीपीयू, इस काम को ये देख लेगा, दैट्स इट, दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग। जहाँ पे मोर देन वन सीपीयू होते हैं टास्क को कंप्लीट कराने के लिए, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो हमारे लिए हो जाता है मल्टी प्रोसेसिंग, दैट्स इट। ठीक है, यही इसका छोटा सा मतलब होता है, और ये लग रहा है नालायकों ने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ इसका मीनिंग, आप लिखिए। इन दिस देयर विल बी इसेंशियल मोर देन वन सीपीयू, मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा सीपीयू लगाना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा अगर उसे एक से ज़्यादा प्रोग्राम काम करने के लिए एक टाइम पे दे दिए तो। अब इसमें दो सीपीयू लगाते हैं जिसकी वजह से इसकी जो इफिशियंसी हो जाती है वो हाई हो जाती है, क्यों, क्योंकि अब दो सीपीयू काम कर रहे हैं, अलग अलग एक ही काम को करने के लिए दो लोग हैं, तो इसकी जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग बोले तो कि भैया सीपीयू वन भी उतनी स्पीड से काम करता है और सीपीयू टू भी उतनी स्पीड से काम करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग। लेकिन आपके दो सीपीयू लगे हैं तो आपकी कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ओके, बस खत्म, इस पार्ट को यहीं पे फिनिश करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम चालू करेंगे सास पास आई ए ए एस, ये सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, हर एग्जाम में इनमें से कोई दो पूछ लेते हैं 5 मार्क्स में, और आपको बहुत एंजॉय करने के लिए मिलेगा। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नोट्स ऑलरेडी शेयर है आपके ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और वीडियो लाइक एंड कमेंट जरूर करें।